तो गाइस आज हम कमांड ब्लॉक का एक बहुत ही खतरनाक मैजिक देखने वाले हैं। गाइस ये स्कोरबोर्ड कमांड है, ये मैक्स बहुत सारे सर्वर्स में यूज होता है। मैक्सिमम सर्वर्स में इसे बिहेवियर पैक्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कमांड ब्लॉक के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको कुछ दो बेसिक से कमांड दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले जो दो बेसिक से कमांड है वो है एक ऐड का और एक रिमूव का। ऐड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्कोरबोर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऐड टाइमर डमी। तो गाइज इसका मतलब है कि ये जो स्कोर बोर्ड है ये एक ऑब्जेक्टिव ऐड करेगा टाइमर, और गाइज डमी का मतलब है कि हम इसे कमांड ब्लॉक की मदद से कंट्रोल करने वाले हैं। नहीं तो अगर आप बिहेवियर पैक की मदद से इसे कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको उसमें जो दिया गया होगा उसका वो लिखना होगा। तो फिर चल देखते हैं कि कैसे ऐड तो हो गया है, अब रिमूव कैसे करना है। तो रिमूव करने के लिए स्कोरबोर्ड ऑब्जेक्टिव्स रिमूव टाइमर। अब डमी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि डमी तो डिफॉल्ट होता है गाइस हर बार में, तो लिखना या ना लिखना दोनों बराबर है। तो मैं ऐड कर दिया हूँ, तो देख सकते हैं कि कुछ है, अभी आपको दिख नहीं रहा है कि कहीं ऐड हुआ है, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि वो ऐड हो चुका है गाइस। और रिमूव भी दबाएंगे तो रिमूव हो चुका है। आपको बस ये सोच लेना कि कहीं पे है वो हमारी मेमोरी में स्टोर। फिर अब देखते हैं कि उसे डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं अपने स्क्रीन में। तो डिस्प्ले करने के तीन तरीके हैं, साइड बार, बिलो नेम और तीसरा है गाइस लिस्ट। तो मैं आपको तीनों दिखाने वाला हूँ क्या करते हैं। तो सबसे पहले साइड बार से स्टार्ट करते हैं। तो साइड बार आप देख सकते हैं यहाँ साइड में एक टाइमर बना हुआ है आ रहा होगा। तो गाइस यही है साइड बार का, और इसको हटाने के लिए आपको गाइस कुछ नहीं करना है, आपको बस ना ऑब्जेक्टिव वो रिमूव कर देना है और फिर वो हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी स्कोर को डिस्प्ले करने के लिए आपको देखना है स्कोर बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स सेट डिस्प्ले और फिर उस डिस्प्ले का नाम। अब जैसे बिलो नेम है, तो बिलो नेम आप देख सकते हैं कहीं नहीं आपको दिख रहा है, वो आपको मल्टीप्लेयर मैचेस में बाकी लोग आपको देख सकते हैं, आप अपना बिलो नेम नहीं देख सकते स्कोर बोर्ड, तो वो बाकी लोगों को आपके नाम के नीचे दिखाई देगा। इसे ज्यादातर लोग यूज नहीं करते गाइज, लेकिन ये था तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लिस्ट, तो जो ये लिस्ट है इसको अगर आप देखें तो आपको तो ये बिल्कुल बिलो नेम की तरह कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अगर आप पॉज दबाएं तो यहाँ पे आपको टाइमर में दिख रहा होगा, और जावा एडिशन में आपको टैब दबाना होगा गाइस इसे देखने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर में लिखा गया है, और अब मैं इसे रिमूव कर दूं। अब ये देखते हैं कि कमांड ब्लॉक की मदद से हम आखिर कैसे अपना स्कोर ऐड कर सकते हैं पुराने स्कोर में कमांड ब्लॉक की मदद से। नहीं तो बिहेवियर पैक की मदद से गाइस बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कमांड ब्लॉक की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो कमांड ब्लॉक की मदद से आपको इसको ऐड करने के लिए आपको लिखना होगा, तो दिख रहा होगा कमांड क्या है, स्कोर बोर्ड प्लेयर ऐड एट द रेट AR=5। R=5 गाइस ये है कि वो एक रेडियस है कि इस 5 ब्लॉक की रेडियस में जो भी प्लेयर होगा उसका ऐड हो जाएगा मार्क्स। अब इस कमांड ब्लॉक को अगर मुझे चालू करना होगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको कर दूंगा ऑलवेज एक्टिव पे, और दूसरा मैं कर दूंगा इम्पल्स जहां लिखा है वहां पे मैं उसे रिपीट कर दूंगा, और डीले इंटिक्स को 100 कर दूंगा गाइस। तो इससे हर 5 सेकंड में मेरा एक स्कोर बढ़ने लगेगा अगर मैं इसके 5 ब्लॉक के रेडियस में हूंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं हर 5 सेकंड में मेरा स्कोर बढ़ रहा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले गेमिंग एपिसोड में।